हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, समटाइम्स आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वाईफाई आपको कनेक्टेड शो करता है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन उसमें नहीं आता। मतलब आप उसमें वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे लेकिन वाईफाई आपको कनेक्टेड शो करता है। तो उसके हम पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और ये नहीं मैं बताऊंगा कि आपको प्रॉक्सी करना है, सेटिंग उसकी वो करनी है, वो सारी बेकार की चीज़ें हैं, उनसे कुछ नहीं होता। मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने आज तक कभी इनमें इस तरह की सेटिंग नहीं देखी कि प्रॉक्सी आपने वो किया हुआ था। कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं करता है, रेयरली नेटवर्क वगैरह में यूज़ होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कहीं पे यूज़ नहीं होता, जैसे ये दिखाते हैं ना इसमें, ये इंटरनेट कनेक्शंस में, इंटरनेट ऑप्शंस में आपको यहाँ कनेक्शन में दिखाएगा लैन सेटिंग में प्रॉक्सी, ये कोई यूज़ नहीं करता इसको। ऑटो डिटेक्ट नेटवर्क सेटिंग्स, ये ऑटोमेटिकली रहता है और ये हमेशा ऑटोमेटिकली ही रहता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक करना है आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। आप विन प्लस आर बटन दबाएंगे, विंडोज़ की की जो है, विंडो की जो होती है, विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसमें ncpa.cpl प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो इसमें आपको वाईफाई एड्रेस, वाईफाई अडेप्टर दिखाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे, TCP/IP 4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस DHCP या तो मतलब ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर रहा है या फिर आपने डाला हुआ है इसमें। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो पूरा गेम होता है वो होता है DNS सर्वर पर। DNS जो होता है वो ही आपको साइट ओपन करके देता है, और अगर आपका DNS सर्वर वर्क नहीं कर रहा होगा तो आपकी साइट नहीं ओपन होगी। ये हमारे नेटवर्क के लिए होता है और ये हमारा होता है उसके लिए, वेबसाइट ओपन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मैंने इसकी सेटिंग चेक कर ली एक बार, ये 110 आईपी अपना है। और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ना दोस्तों हमारे साथ क्या होता है, जो हमारा जो वाईफाई राउटर होता है इसमें दो तरह के नेटवर्क होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है वैन, जिसमें कि हमारा नेट कनेक्टेड होता है बाहर से, ISP सर्विस प्रोवाइडर से हमारा नेट कनेक्टेड होता है और उसमें आईपी एड्रेस भी डालते हैं। वो उनकी हेडेक होती है कि वो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस डालें या स्टैटिक आईपी एड्रेस डालें, वो उनकी हेडेक है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं उससे। हमें केवल इसमें देखना है यार, जो इसके अलावा जो दूसरा नेटवर्क होता है वो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और उसी से हम अपने उनको वायर से कनेक्ट करते हैं या फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको वाईफाई से जब इसमें कनेक्शन आप कर लेते हैं तो इस जो आपका लोकल नेटवर्क होता है उसमें आपके आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो पता ही आपको कि ऑटोमेटिकली होता है DHCP से, और एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस उठा लेता है, भले ही जब जब आप वाईफाई राउटर को ऑन करते हैं तो ये जो आपका इतना पोर्शन होता है लोकल वाला वो अपने आप ऑन हो जाता है, उसको बाहर से नेट मिले या ना मिले ये अपना इस पोर्शन को ओपन कर देता है और इसको कनेक्ट कर देता है, और आईपी एड्रेस के थ्रू अपने सिस्टम्स को या जो फोन्स या जो भी चीज़ कनेक्टेड है उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है या उनके आईपी एड्रेस कनेक्ट करके ओपन कर देता है। तो इतना पोर्शन जो होता है आपका वाईफाई आपका ऑन होके कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता या कि आपका जो बाहर का जो नेटवर्क है वैन जो है वो आपका एक्सेसिबल है या नहीं है, वो आपको DNS सर्वर से पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको विन आर क्लिक करके और आपको करना होगा पिंग। पिंग जैसे मेरे पास जो है, मेरे पास मेरा अपना वाईफाई राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, इसको मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक करता हूँ मेरा जो DNS सर्वर है, इनको मैं दोनों को पिंग कर लेता हूँ। ये जो 8.8 वाला होता है आईपी एड्रेस, ये DNS सर्वर का ग्लोबल DNS होता है। तो इन दोनों पे अगर आपका ये चल रहा है तो इससे क्या शो करता है, इससे तो आपका दिखा रहा है कि वाईफाई आपका कनेक्टेड है आईपी एड्रेस, और ये वाला जो मेरा लोकल कनेक्टेड है इसका मतलब है मेरा नेट भी कनेक्टेड है, DNS सर्वर भी मेरा पिंग कर रहा है और 100% इसमें साइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको कभी लगता है तो आप सिंपली जाके इसमें क्लिक करके अपना इसमें आईपी एड्रेस चेक कीजिए। पहले यहाँ पे जैसे आपने ये देखा कि डिटेल्स में शो कर रहा है आपका DNS का डिफॉल्ट गेटवे क्या है। डिफॉल्ट गेटवे जैसे मेरे इसमें 192.168.0.1 है। एक एक से पिंग तो आप इसको कर लीजिए
192.168.0.1 पे, और दूसरा ग्लोबल डीएनएस जो डीएनएस सर्वर है उस पर क्लिक कर लीजिए, पिंग कर लीजिए ये वाला। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली एकदम पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस चीज़ की है। अगर आपको लगता है कि भाई जैसे दोनों चीज़ें क्लिक कर रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली वेबसाइट ओपन की मैंने और मैंने इस पर गूगल किया, और ये देखिए गूगल साइट खुल गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वायर जो नेट की मेरे वाईफाई राउटर में आ रही है, मैं उसको अनप्लग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दोनों में पिंग चल रही है, और जैसे इसमें वाईफाई राउटर मेरा, ये मेरा वाईफाई राउटर है डिफॉल्ट गेटवे इसका, और ये जो है ये मेरा वो है ग्लोबल डीएनएस, तो इस पे दोनों पे पिंग चल रही है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से वायर जो होती है इसकी नेट वाली वायर जो है मेरे वाईफाई राउटर में आ रही है, वो मैं हटा देता हूँ उसको। तो इसमें क्या होगा, इस वाले में पिंग बंद हो जाएगी आनी, और इसमें चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि मेरे वाईफाई राउटर से तो मेरी कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन मेरे को डीएनएस सर्वर मेरा जो पिंग जो है डीएनएस सर्वर की पिंग नहीं हो पा रही। इसका मतलब डीएनएस सर्वर मेरा कनेक्टेड नहीं है। अब तो मैं जैसे ही ओपन करूंगा, आप देखेंगे कि ओपन करूंगा तो साइट ओपन नहीं होगी, या इसको भी मैं रिफ्रेश कर दूंगा, देखिएगा आप, साइट ओपन नहीं होगी। और यहां पे आपको जो वाईफाई राउटर में देखो आईपी एड्रेस दिखाएगा कनेक्टेड है, लेकिन नो इंटरनेट कनेक्शन शो कर रहा है। तो ये दोस्तों इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप जब भी आपको लगे कि मेरा वाईफाई राउट नेट कनेक्टेड है लेकिन मेरे पास शो नहीं कर रहा है, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, तो आप एक बार या तो अपने लैन कार्ड को जो आपका ये वाला होता है इसको आप एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लें, और उसके बाद जो आपके वाईफाई राउटर है उसमें जो बाहर से जो वैन की जो नेटवर्क केबल आ रही है उसको आप एक बार निकाल के, जैसे मैं प्लग कर देता हूँ इसको, तो ये अब देखिए इसमें पिंग शुरू हो जाएगी दोबारा से, ये पिंग आनी शुरू हो गई इसमें। तो ये वायर हिल सकती है, और समटाइम्स क्या होता है कि वाईफाई राउटर आपका आइडियल हो जाता है, जैसे आप रात को सोते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं, तो किसी किसी उस केस में आपको वाईफाई राउटर रीस्टार्ट करना पड़ता है एक बार, या फिर आप एक बार इसको जैसे रीस्टार्ट डेली रीस्टार्ट करते हैं, एक बार ऑन कर देंगे दोबारा से बंद करके, तो ये दोबारा से कनेक्टेड शो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये दोनों आपके वाईफाई का जो राउटर है, वाईफाई राउटर और डीएनएस दोनों पिंग कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब आपकी 100% आपका नेट चल जाएगा आपके कंप्यूटर में। ये देखिए, तो ये दोस्तों सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ये वाईफाई का ड्राइवर और रीसेट करने से और ये करने से और ड्राइवर अपडेट करने से कुछ नहीं होता। आपका सिस्टम का ड्राइवर अगर ठीक ठाक अपडेट है, इंस्टॉल किया हुआ है, पहले से चल रहा था, तो ये कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सॉल्यूशन आपका ये है कि इसमें डीएनएस सर्वर आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो आप उसको सबसे पहले अपने जो वाईफाई राउटर का जो है डिफॉल्ट गेटवे और जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर है, आप इनको पिंग कर लीजिए, और एक बार क्लिक करके एक बार उसको रीस्टार्ट कर लीजिए, या फिर क्योंकि जैसे मैं अगर देखिए मैं अब एक बार वाईफाई को भी रीस्टार्ट करता हूँ, तो देखिएगा दोनों अनप्लग हो जाएंगे एक बार, और कुछ सेकंड बाद दोनों में एकदम पिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने एक बार बंद कर दिया वाईफाई राउटर, और ये दोनों में बंद हो गया अभी, तो मैं इसको एक बार प्लग कर देता हूँ। अभी मैंने प्लग कर दिया, अब ये देखिएगा कुछ सेकंड में दोनों में पिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप सिंपल सॉल्यूशन आप यही कर सकते हैं इसमें कि आप सीधा एक बार वाईफाई राउटर को रीस्टार्ट कर लें, लैन कार्ड को इनेबल डिसेबल कर लें, और जो केबल है पीछे से जो नेट की जो वायर आ रही है आप उसको एक बार दोबारा से प्लग कर दें निकाल के, इसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया था, मैं इसको एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, और ये देखिए पिंग शुरू हो गई है दोनों में एकदम। तो दोस्तों ये सिंपल सॉल्यूशन, आप ये ज़रूर आजमाएं, 2 मिनट का काम होगा केवल, और आप उसको अपने आप उसमें कनेक्ट कर पाएंगे। केवल आपको एक बार अपने जो डिफॉल्ट गेटवे उसको पिंग करना है, एक बार आपके जो डीएनएस सर्वर है, ग्लोबल डीएनएस सर्वर है, या जो भी डीएनएस सर्वर डला हुआ है उसको पिंग करके छोड़ दीजिए, और एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए राउटर को, या फिर उसको एक बार कनेक्ट कर लीजिए। एकदम सिंपल सॉफ्ट सॉल्यूशन है कि आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ये चल जाएगा। और अगर इतना करने के बाद भी नहीं चलता है, ये अगर आपके ग्लोबल डीएनएस सर्वर पे पिंग नहीं आती है, तो
इसका मतलब ये है कि आपका पीछे से ही नेट बंद हुआ हुआ है, मतलब आपके वैन में ही या जो नेटवर्क सर्विस पर प्रोवाइडर है उसके उसमें ही कोई प्रॉब्लम है, उसी से आपको बात करनी होगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं टू द पॉइंट सॉल्यूशन देता हूँ, मैं कोई वीडियो को जल्दी या लंबा खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे वाली आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है अभी आगे कुछ टाइम में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।